सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष का अधिकार बहाल, अध्यक्ष ने कहा विकास की हुई जीत। महाराजगंज जिले के सिसवा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की सीज वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को प्रमुख सचिव और जिलाधिकारी महाराजगंज के आदेश पर बहाल कर दिया गया, जिसके बाद अध्यक्ष के समर्थकों में खुशी की लहर है। अध्यक्ष के अधिकार को बहाल करने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग 6 लखनऊ के आदेश पर शकुंतला जायसवाल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार जनपद महाराजगंज के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया सिद्ध पाए गए आरोप में अध्यक्ष की वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज किया गया था, जिसके अधिकार के निर्वहन के लिए उप जिला अधिकारी को नामित किया गया था, जिस आदेश को तत्काल निरस्त करते हुए सीज वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार को बहाल किया जाता है। अधिकार बहाल होने के बाद अध्यक्ष शकुंतला जायसवाल ने कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत विकास कार्य से रोकने के लिए उन्हें उनके अधिकार को सीज कराया गया, जिस पर न्यायालय ने रोक लगाते हुए उन्हें अधिकार को बहाल कर दिया है। नगर विकास के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने कहा कि यह विकास और सच्चाई की जीत है, यह हमेशा नगर के विकास के लिए तैयार रहेंगे। जिलाधिकारी का आदेश जारी होते ही समर्थकों में मिठाई बांटकर खुशी मनाई।